अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सुषमा चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं फिर आ गई हूँ किचन में और आप लोगों के साथ नई रेसिपी के साथ और मजे की और टेस्टी सी बड़ी ही आला किस्म की। और आज बना रही हूँ मजेदार सी ग्रिल अल्फ्रेडो चिकन ब्रेड। ओए ओए भाई, सीरियसली कसम से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी है। और साथ बनेगी फ्राइज मजे की और बहुत ही टेस्टी। ये भी आप अफ्तारी में बनाए और अपने दस बच्चों के रोजा होता है, बच्चों का दिल नहीं करता कि आज हमने ये नहीं खाना, हम ये खाएंगे, तो आप ये ट्राई करें। कसम से आपको बहुत मजा आने वाला है और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मजे की चीजी सी है। और अगर आपके पास चीज है तो आप डालें, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। बस आप लोगों ने बेक करना, माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं। बड़ी आसानी तरीके से मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ भाई, कसम से ये मेरी फेवरेट बन गई है। मैंने तो इस दफा रमजान में तो यही लाजमी बनानी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी को देखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। चलती है अपनी रेसिपी की तरफ। जी गाइस, जो ये रेसिपी है ना, ग्रिल के बगैर भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो ग्रिल पैन के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ग्रिल पैन के बगैर बनाऊंगी, अगर आपके पास है तो बना ले, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ केजी मैंने चिकन लिया है बोनलेस, और स्पाइसेस मैंने लिए हाफ हाफ टीस्पून लिए। नमक है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और रेड मिर्च है, सूखा धनिया, चिली फ्लिक्स है और साबत ज़ीरा है। और हाफ ही मैंने प्याज लिया, उसको क्यूब्स में कट कर लिया। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ ही शिमला मिर्च है, 3 टेबल स्पून दही है और 5 टेबल स्पून मायनीज है, और 1 कप ही मेरे पास चीज़ है मोज़रेला। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन मैंने बाउल में ऐड कर लिया, सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक जो है ना, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस ऐड होके 3 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 20 मिनट भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैं इसको 20 मिनट के लिए रखूँगी फ्रिज में। और ये लीजिए, मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था जो चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन, और एक हरी मिर्च रखी थी ना मैंने, वो चॉप की, वो इसके ऊपर ऐड कर दी। और थोड़ा सा प्याज ऐड करके इसको हल्का सा सोते होने देंगे, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये काफ़ी हद तक सोते हो चुका है, अब हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अब हम इसको कुक करेंगे लो टू हाई फ्लेम पे, और क्योंकि दही है ना, इसको दही का फिर पानी निकल आएगा तो फिर इसको इसी में ही कुक हो जाएगा। ये रेडी हो चुका है हमारा चिकन। अब हमने जी क्या करना है, इसकी फिलिंग करनी है, मतलब इसको डेकोरेट करना है, इसको सजाना है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले ऐड कर देंगे मेयोनीज़, फिर हम ऐड करेंगे चिकन, फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे शिमला मिर्च और प्याज। ये लें जी, ये भी मैंने ऐड कर दी। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। इसी तरह ही सारे मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे रेडी हो चुके हैं। और दूसरी साइड पे मैंने रख दी है फ्राइज, उसको भी कुक होने के लिए रख दिया है। और ये लें जी, मैंने माइक्रोवेव में इसको ऐड कर दी, सिर्फ हमने चीज़ ही मेल्ट करनी है। ये लें जी, 1 2 3, ये चिप्स रेडी। और ये ले जी, हमारी रेडी हो गए हैं अल्फ्रेडो चिकन ब्रेड विथ फ्राइज। वाओ, माशाल्लाह, लुक्स वेरी डिलीशियस, आला किस्म की खुशबू और आउट का लास्ट के ये बने हैं। कसम से मेरी तो ये डिश बन गई है कि मैंने इफ्तारी टाइम तो ये खाने ही है। और आप लोग ने क्या करना है, आप लोग ने भी यही अपनी डिश जो है ना, मेन्यू डिसाइड कर लेना कि ये आप लोगों ने लाजमी बनाना है, इन्जॉय करना है। कसम से वाकई में टेस्टी है और बहुत ही आला किस्म की इसकी लुक लग रही है। आपने इसको जितना इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे ना, उतना ही मज़ा आएगा। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कितने मज़े की और कितनी आला किस्म की ये हमारी चिकन अल्फ्रेडो ब्रेड बनी है। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी है ग्रिल अल्फ्रेडो चिकन ब्रेड बन चुकी है। और जी, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, कसम से गाइस मैं देख के खुश हो गई हूँ। इतनी अच्छी इसकी लुक लग रही है और इतनी मज़े की
आपने इसके साथ फ्राइज भी रखनी है, आप जितनी चीज डालेंगे ना उतना ही मजा आएगा, जितने तीखा भी होगा और क्रिस्प मजे की है। फ्राइज आपकी बिल्कुल अच्छी फ्राइज होनी चाहिए और रमजान में तो ऑलमोस्ट फ्राइज बनती ही है, और मैंने फिर उसके साथ फ्राइज भी ऐड कर दी और नया डिश बना ली और मजे की हमारी चिकन एल्फ्रेडो ब्रेड फ्राइज रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ और ये देखे ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से कितनी मजेदार सी और अलग किस्म की हमारी एल्फ्रेडो चिकन ब्रेड रेडी हो चुकी है, और आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है और रमजान में लाजमी बनाना है और अपने दस्तरखान पे इसको रखना है और फिर मुझे फीडबैक लाजमी देना। अब इसको टेस्ट करके बताते कि कैसी बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं। इसको टेस्ट करते हैं, कट करते हैं, कट करने के बाद बताते हैं। जी गाइस, टेस्ट करके बताती हूँ। कसम से इतना सॉफ्ट है, ये देख के तो सही सॉफ्टनेस इसकी देख के बहुत ही सॉफ्ट हो गया और बहुत ही टेस्टी। अब इसको टेस्ट करती हूँ। ओए ओए ओए, बहुत ही मजा, कसम से सीरियसली गाइस बहुत ही टेस्टी है, अलग किस्म की ये बनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, ये आप अपने रमजान में मेन्यू डिसाइड कर लें कि ये आपने बनाना ही है। वाकई में बहुत मजे की है, बहुत टेस्टी है, और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे और ये बनाइए और आप लोग इसको जरूर ट्राई करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। काले थी बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा।